वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लेकर आ गए हैं 2023 में रिलीज हुई एक शानदार क्राइम थ्रिलर जिसका नाम है असालू। और इसका सस्पेंस बरकरार रखने के लिए हमने इस मूवी का कोई इंट्रोडक्शन नहीं सोचा है, लेकिन हाँ, इस ट्विस्टेड मूवी को पूरी तरह से एंजॉय करने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। बाकी एक और रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपको पसंद आ गया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मूवी की शुरुआत में वंदना नाम की एक औरत को दिखाते हैं जो कि एक फोरेंसिक पैथोलॉजी प्रोफेसर की असिस्टेंट है। प्रोफेसर ऑनलाइन क्लासेस लेने वाला होता है, लेकिन उसके आने से पहले उसके स्टूडेंट्स ऑनलाइन पर खूब गप्पे लड़ा रहे होते हैं। वंदना भी लॉगिन करके बैठी होती है आराम से। कुछ देर में प्रोफेसर आ जाते हैं और इनकी क्लास होती है शुरू, लेकिन अचानक कोई प्रोफेसर के घर में घुसकर कैमरे के सामने उनका कत्ल कर देता है। सभी बहुत घबरा जाते हैं और यहाँ मूवी का टाइटल असल डालकर होती है मूवी शुरू। प्रोफेसर के कत्ल की खबर मीडिया में इस तरह फैल जाती है जैसे आग फैलती है और ये केस सीआईडी को सौंपा जाता है। सीआईडी चीफ इस केस को अपने सबसे काबिल डिटेक्टिव रंजीत को सौंपता है जो इस वक्त किसी दूसरे कत्ल को इन्वेस्टिगेट कर रहा है जिसमें एक आदमी को बेरहमी से मार दिया गया था। उसके बारे में अब जो आदमी मरा उसकी वाइफ रोते हुए बताती है कि कल रात हम पति पत्नी सो रहे थे, अचानक कोई आवाज सुनाई थी और मेरा पति देखने गया। फिर पति की चीख सुनकर मैं बाहर पहुंची तो देखा कि एक अजनबी जो सर से पैर तक पूरी तरह कवर्ड है वो मेरे पति को चाकू से लगातार वार कर रहा है। तभी मैं चिल्लाई तो हमारे नौकर ने उस कातिल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कातिल उसको धक्का देकर बच निकला। अब वो कातिल जिस रास्ते से बचकर निकला था ना, रंजीत उसी जगह पर चेक करता है। फिर वो पति की लाश को चेक करता है तो उसके नाखूनों पर खून लगा होता है। फिर पता चलता है कि विक्टिम गोल्फ खेलता था, तो रंजीत उन गोल्फ स्टिक्स को भी पूरी तरह चेक करता है। फिर अपने असिस्टेंट से कहता है कि एक काम करो, तुम लाश पर चाकू से वार करो। करो तो एक बार। असिस्टेंट चौंक जाता है लेकिन फिर भी लाश पर चाकू मार देता है। लेकिन तभी उस मरे हुए आदमी की पत्नी चिल्लाती है, ये क्या कर रहे हैं आप लोग। पर रंजीत उसको चुप कराकर नौकर को बुलाता है और पूछता है कि क्या वही हुआ था जो तुम्हारी मालकिन कह रही है या फिर कुछ और हुआ था। वो भी हाँ में जवाब देता है। अच्छा, लेकिन तुमने गर्दन पर ये कॉलर क्यों पहन रखा है। सर, वो गर्दन पे मोच आ गई थी ना, इसीलिए। और तभी रंजीत उसका कॉलर निकालता है तो नौकर की गर्दन पर नाखूनों के निशान होते हैं। रंजीत कहता है, देखा, अब मैं बताता हूँ कि असल में क्या हुआ था। और तब फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि पति गोल्फ खेलकर घर लौटा है तो अपनी पत्नी और नौकर को साथ देकर वो चौंक जाता है और नौकर की गर्दन पकड़ लेता है। फिर अपने प्रेमी को बचाने के लिए पत्नी पति के सर पर जोर से गोल्फ स्टिक से वार करती है, पर वो पुलिस को ये विश्वास दिलाना चाहती थी कि किसी और ने कत्ल किया है, इसलिए वो पति के पेट में चाकू घोंप देती है और फिर पति का गोल्फ वाला ड्रेस उतार कर उसको नाइट ड्रेस पहना देती है ताकि पुलिस को ये लगे कि वो गोल्फ खेलकर यहाँ आया और रात को अपनी वाइफ के साथ था और तभी किसी ने उसको मार डाला। ये सब बताकर रंजीत कहता है कि तुमने पेट में कई बार चाकू घुसाया है, लेकिन इस ड्रेस पर कोई छेद ही नहीं है। ऊपर से मुझे तब ज्यादा शक हुआ जब मैंने देखा कि गोल्फ स्टिक उल्टा रखा हुआ था। तुमने स्टिक का खून तो साफ किया लेकिन उसे उल्टा रख दिया, जिसकी वजह से मुझे शक हो गया। फिर फोरेंसिक गोल्फ स्टिक को चेक करती है तो उस पर खून होता है और इस तरह रंजीत पति के नाखून पर लगे खून और स्किन पीसेस को टेस्ट करवाता है तो पता चलता है कि ये नौकर की स्किन है और उसी का खून है। और इस तरह रंजीत को पता चल जाता है कि पत्नी ने ही अपने पति का कत्ल किया है। आखिर में पत्नी भी अपना जुर्म कबूल कर लेती है। फिर अगले सीन में रंजीत के परिवार को दिखाते हैं। रंजीत का एक बेटा है जो कि एक स्पेशली एबल्ड बच्चा मालूम होता है, लेकिन मुश्किल पजल्स को वो बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेता है। इसे उसका टैलेंट कह सकते हैं हम। रंजीत की पत्नी के बारे में कुछ बताया नहीं जाता फिलहाल। रंजीत के बेटे का नाम सोनेश है और रंजीत की माँ उसकी काफी देखभाल भी करती है। सोनेश की एक ट्यूशन टीचर है जो उसे पढ़ाती है ताकि वो किसी तरह स्कूल में एडमिशन ले पाए। वो सोनेश के लिए बहुत मुश्किल पजल्स लेकर आती है, उसको खूब एनकरेज करती है। तभी रंजीत को प्रोफेसर के कत्ल का पता चल जाता है और उसे क्राइम सीन पर बुलाया जाता है। वो अपने असिस्टेंट से पूछता है, क्या ये फोर्स एंट्री है। असिस्टेंट बताता है, नहीं सर, कातिल दरवाजे से अंदर आया था, लगता है प्रोफेसर उसको जानता था। तभी वहाँ पर वंदना आती है और वो बहुत घबराई भी होती है। वो बताती है कि मेरा घर पास ही में है और मैं प्रोफेसर की असिस्टेंट हूँ। फिर रंजीत वंदना का पूरा नाम पूछता है तो वो अपना नाम वंदना असालू बताती है, मतलब असालू उसका सरनेम है। फिर रंजीत प्रोफेसर के परिवार के बारे में पूछता है तो वंदना बताती है कि प्रोफेसर की पत्नी जिंदा नहीं है, उनकी एक बेटी और एक बेटा है। बेटी तो US में रहती है और बेटे के साथ प्रोफेसर की काफी अनबन है, जिस वजह से वो अपने बेटे से कभी मिलते ही नहीं। रंजीत पूछता है, एक बात बताओ, प्रोफेसर से आप आखिरी बार कब मिली थी। सर, उन्हें ठीक से मोबाइल यूज करना नहीं आता तो उनके कहने पर कल रात ही मैंने उनके फोन पर गूगल प्ले इंस्टॉल करके दिया था। रंजीत उसे प्रोफेसर का फोन दिखाकर पूछता है, क्या तुम इसका पासवर्ड जानती हो। वो हाँ में जवाब देती है और पासवर्ड डाल भी देती है, लेकिन वो गलत होता है। वो कहती है, शायद प्रोफेसर ने पासवर्ड चेंज कर दिया होगा। फिर रंजीत फोन को अपनी टीम को देता है ताकि वो इसे अनलॉक कर पाए। रंजीत वंदना से कहता है कि इस केस में आपको मेरी मदद करनी होगी क्योंकि प्रोफेसर के बारे में आप सब कुछ जानती है, इसीलिए वो किन लोगों के साथ मिलते थे, किन के साथ उनका कॉन्टेक्ट वगैरह था, ये सारी चीजें आपको पता है, इसलिए आप हमारी हेल्प करेंगी। लेकिन वंदना कहती है, शाम को मुझे एक जरूरी काम है। रंजीत भी कह देता है, वो शाम को देखेंगे ना, लेकिन फिलहाल आप मेरी मदद कीजिए। अब कट करके श्रीशा नाम की एक लड़की को दिखाते हैं जो कोमा में है और लगता है किसी एक्सीडेंट की वजह से उसका यह हाल हुआ है। हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है
और प्रोफेसर के घर के बाहर एक सीसीटीवी कैमरा होता है जिसका फुटेज रंजीत चेक करता है तो 7 बजे एक आदमी बाइक में आया था। वंदना बताती है, अरे ये तो प्रोफेसर का बेटा राकेश है। अब राकेश के घर के अंदर जाने की वीडियो फुटेज तो होती है लेकिन कब वो बाहर निकला इसका पता नहीं चलता। 7:30 को मूर्ति नाम का एक आदमी घर में आता है। रंजीत पूछता है, इसे क्या तुम जानती हो? वंदना कहती है, हाँ इनका नाम तो नहीं जानती लेकिन कभी कभी इन्हें प्रोफेसर से बात करते हुए देखा है मैंने। इसके बाहर जाने का भी कोई वीडियो फुटेज नहीं होता। 8 बजे हेमा नाम की एक औरत आती है लेकिन इसके भी बाहर जाने का कोई फुटेज नहीं होता। मतलब किसी ने जानबूझकर इन सबके बाहर निकलने का फुटेज डिलीट कर दिया है। फिर 8:30 बजे योगी नाम का एक आदमी अंदर आता है। वंदना कहती है, एक सेकंड रुकिए सर, ये प्रोफेसर का पुराना नौकर है। इसी बीच रंजीत की टीम प्रोफेसर का फोन अनलॉक कर देती है। उसमें ये पता चलता है कि प्रोफेसर के फोन से इन चारों को मैसेज भेजे गए थे। उन मैसेजेस में इन चारों को अलग अलग टाइम पर यानी 7, 7:30, 8 और 8:30 बजे प्रोफेसर ने अपने घर बुलाया था, इसलिए वो एग्जैक्टली उसी टाइम पर घर पर आए थे। रंजीत तुरंत उन चारों को पूछताछ के लिए बुलाता है। अब रंजीत कल रात का फुटेज चेक करता है जब वंदना ने कहा था वो प्रोफेसर से मिलकर गई थी उस समय वाला। वंदना सच में प्रोफेसर के घर आई थी लेकिन उसके जाने के बाद एक अजनबी घर के अंदर आया था और उसका चेहरा पूरी तरह कवर्ड होता है। फिर सबसे पहले प्रोफेसर के बेटे राकेश से रंजीत पूछताछ करता है कि तुम एक बात बताओ, सुबह 7 बजे अपने पिता से मिलने क्यों गए थे? राकेश बताना शुरू करता है और फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि उस वक्त प्रोफेसर फल काट रहे थे और अपने बेटे राकेश को देखकर वो चिढ़ गए। वो पूछते हैं कि तुम अब क्यों यहाँ पर आए हो? राकेश बताता है कि आपने ही तो 7 बजे आने के लिए मैसेज किया था मुझे। प्रोफेसर कहता है, नहीं मैंने नहीं बुलाया तुम्हें, अब जाओ यहां से। राकेश रो पड़ता है कि मेरी गर्लफ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया पापा, प्लीज मुझे 1,00,000 रुपए की जरूरत है। पर प्रोफेसर सीधा मना करके उसको जाने के लिए कह देते हैं। कुछ देर के लिए तो राकेश चाकू को घूरने लग जाता है, फिर वो चुपचाप चला जाता है। वापस प्रेजेंट में आ जाओ। रंजीत पूछता है कि तुम्हारे और तुम्हारे पिता यानी प्रोफेसर के बीच ऐसी क्या प्रॉब्लम हुई थी कि वो तुमसे बात नहीं करना चाहते थे? राकेश बताता है कि मैंने अपनी माँ की जान ली इसलिए वो मुझसे नफरत करते हैं। अब ये सुनकर रंजीत चौंक जाता है। तब राकेश बताता है कि मेरी माँ को इंसोमिना की बीमारी थी यानी नींद नहीं आती थी उन्हें। डॉक्टर ने उनको एक टेबलेट दिया था कि इसे सिर्फ तब लेना है जब नींद ना आए, और वो भी सिर्फ एक गोली। और दोस्तों उस वक्त राकेश बहुत छोटा था तो उसने ये समझ लिया कि अगर सारे टैबलेट्स दे दिए तो माँ बहुत आराम से सो पाएगी, इसलिए उसने सारे टैबलेट्स पानी में मिलाकर माँ को पिला दिए। हाई डोजेज की वजह से राकेश की माँ की मृत्यु हो गई और तब से प्रोफेसर को अपने बेटे राकेश से सख्त नफरत थी और उन्होंने राकेश को अपने से बिल्कुल अलग कर दिया, वो कहीं और ही पला बड़ा। रंजीत को पता चलता है कि प्रोफेसर ने अपनी वसीयत में राकेश को नॉमिनी बनाया है। रंजीत फिर राकेश से पूछता है कि कहीं प्रॉपर्टी के लालच में तुमने अपने पिता का खून तो नहीं कर दिया? दरअसल एक लाई डिटेक्टर की मदद से वो चेक कर रहे होते हैं कि राकेश सच बोल रहा है या फिर नहीं। राकेश कहता है कि नहीं सर, मुझे तो ये भी नहीं पता कि पापा ने ऐसी कोई वसीयतनामा लिखा है, मैंने पापा को नहीं मारा। रंजीत फिर उसको दूसरे कमरे में वेट करने को कहता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि एक काम करो, तुम पता लगाओ कि इसकी गर्लफ्रेंड का सच में एक्सीडेंट हुआ था या फिर इसने अपने पापा से झूठ बोला। राकेश उस कमरे में बैठकर किसी को कॉल करके जल्दी से पैसों का इंतजाम करने के लिए कहता है। इसी बीच एक आदमी राकेश को कॉल करके बताता है कि बेटा वो बहुत सीरियस है, तुम जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। यहां पर यह साफ साफ नहीं पता चलता कि श्रीशा ही राकेश की गर्लफ्रेंड है या फिर कोई और, लेकिन डॉक्टर किसी को कॉल करके ये कहती है कि श्रीशा की हालत बहुत ही खराब है। फिर यहाँ दिखाते हैं तो रंजीत मूर्ति से पूछताछ करता है जो अपनी कार में ठीक 7:30 बजे प्रोफेसर से मिलने आया था। उससे भी प्रोफेसर ने वही सवाल किया कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, और जब मूर्ति ने बताया कि आपके फोन से मुझे ये मैसेज आया था कि जमीन के सिलसिले में बात करने के लिए 7:30 बजे आना है, तब भी प्रोफेसर ने कहा था कि ये तो मैंने भेजा ही नहीं। अब रंजीत पूछता है कि ये किस जमीन की बात कर रहे हो? तो मूर्ति बताता है कि मैंने अपनी एक छोटी सी जमीन प्रोफेसर को बेची थी क्योंकि मुझे उस वक्त पैसे की सख्त जरूरत थी, लेकिन अब मैं उसे वापस खरीदना चाहता था इसलिए प्रोफेसर से मिलने आता था, लेकिन प्रोफेसर ने हर बार मुझे इनकार कर दिया। अब जब ये दोनों बात कर रहे थे, मतलब प्रोफेसर और मूर्ति, तो उस समय वंदना ने भी इनको बहस करते हुए देखा था, इसलिए उसने रंजीत को बताया था कि मूर्ति को मैंने प्रोफेसर से बात करते हुए देखा था। खैर आज सुबह भी मूर्ति और प्रोफेसर के बीच इस बारे में बहस हुई और तब प्रोफेसर ने मूर्ति को बहुत बुरा भला कह दिया था। तभी मूर्ति की नजर भी वहां रखे चाकू पर पड़ी लेकिन वो बिना कुछ कहे बाहर चला गया। रंजीत पूछता है कि क्या तुमने प्रोफेसर का कत्ल नहीं किया? फिर वो ना में जवाब देता है। अब रंजीत उसे भी राकेश के साथ उसी कमरे में बैठा देता है। तभी उसकी वाइफ को कॉल आता है जो पूछती है, क्या सच में तुमने प्रोफेसर का कत्ल कर दिया है क्या? मूर्ति इसका कोई जवाब नहीं देता और कॉल काट देता है। अब रंजीत पूछता है कि हेमा प्रोफेसर से मिलने क्यों आई थी? वंदना बताती है कि हेमा का बेटा नशीला पदार्थ लेता था जिसकी वजह से उसे कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया। प्रोफेसर अपना इन्फ्लुएंस यूज करके उसे फिर से कॉलेज में लेके आ सकते थे, इसलिए हेमा उनसे मिलने आई थी। फिर रंजीत हेमा से पूछताछ करता है तो वो बताती है कि आज सुबह 8 बजे मैं प्रोफेसर से मिलने गई क्योंकि उन्होंने मुझे मैसेज किया था। मैंने उन्हें बता दिया कि जो वो चाहते थे वो मैंने कर दिया और अब प्लीज मेरे बेटे को वापस कॉलेज में ले लीजिए। लेकिन उस समय वो कहने लगे कि मैंने तुम्हें मैसेज किया ही नहीं। अब रंजीत पूछता है कि अच्छा एक चीज बताओ, वो क्या चीज थी जो आपने प्रोफेसर के लिए की थी? हेमा संकोच में पड़ जाती है और बहुत देर बाद रोते हुए बताती है कि
एक बार पहले भी मैं प्रोफेसर से अपने बेटे के बारे में बात करने आई थी, तब उस आदमी ने कहा था कि तुम भी सिंगल पेरेंट हो और मैं भी, अगर तुम मेरे साथ जरा एडजस्ट कर लो तो मैं कल ही तुम्हारे बेटे को वापस कॉलेज में ले सकता हूँ। ये कहकर प्रोफेसर हेमा का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में खींच कर लेकर जाता है। रंजीत पूछता है, आज क्या हुआ, सिर्फ ये बताइए। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि हेमा आज सुबह भी प्रोफेसर से अपने बेटे की बात करने के लिए आई थी, लेकिन प्रोफेसर ने फिर उसे अपने साथ रहने को कहा, लेकिन हेमा ने मना कर दिया और कहा कि मुझे अपने बेटे को कॉलेज लेकर जाना है, मैं जा रही हूँ। तब प्रोफेसर ने कहा कि अच्छा, तो तुम्हारी बेटी भी है क्या, कल तुम उसे मेरे पास भेजना, फिर मैं तुम्हारे बेटे के बारे में सोचूंगा। इस पर हेमा को गुस्सा आ गया और वो उस स्टैंड को घोरने लगी जहाँ चाकू रखे हुए थे, फिर वो चली गई। और अब प्रेजेंट में रंजीत पूछता है, क्या आपने प्रोफेसर का कत्ल किया? वो कहती नहीं। रंजीत उससे भी राकेश्वर मूर्ति के साथ वहाँ वेट करने को कहता है। हेमा का बेटा कॉल करके पूछता है कि पूछताछ में क्या पता चला है, आपने प्रोफेसर का कत्ल नहीं किया ना माँ? इस पर हेमा भी बिना कुछ कहे कॉल काट देती है। यहाँ हॉस्पिटल में श्रीषा के ब्रेन की एक्टिविटीज को मॉनिटर करके डॉक्टर पता लगाने की कोशिश करती है कि असल में श्रीषा के साथ हुआ क्या था और आखिर में उसने क्या देखा। अब प्रोफेसर के शव विश्लेषण करने के बाद उसकी लाश को देखने के लिए राकेश हॉस्पिटल जाता है। वहाँ का पियोन कोई डॉक्यूमेंट लेने जाता है तो राकेश अपने पिता का मुंह खोलकर उसका सोने का दांत निकाल देता है ताकि उसे बेचकर अपनी गर्लफ्रेंड का इलाज करवा सके। और अब आखिर में योगी से पूछताछ करने की बारी आती है। योगी जो 8:30 बजे प्रोफेसर से मिलने आया था। रंजीत पूछता है कि तुम प्रोफेसर के घर पर काम करते थे राइट, पर उन्होंने तुम्हें काम से क्यों निकाला? अब योगी बताता है कि मैं और मेरी पत्नी प्रोफेसर के घर काम करते थे, उसने मेरी पत्नी का फायदा उठाने की कई बार कोशिश की, जिसे देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया, मुझे लगा कि मेरी पत्नी की गलती है इसलिए मैंने एक दिन उसे बहुत ज्यादा मारा। तब उसने बताया कि जब वो ड्रेस चेंज कर रही थी तो प्रोफेसर ने छुपके से उसकी वीडियो बना ली और फिर वो मेरी पत्नी को बार बार ब्लैकमेल करने लगा, अगर तुम्हारी मर्जी नहीं होगी तो ये वीडियो लीक कर दूंगा, इसलिए मेरी पत्नी उसके खिलाफ कुछ कह नहीं पाई। जब योगी को ये बात पता चली तो उसने प्रोफेसर को खूब मारा कि इतने घटिया आदमी हो तुम, इसका मुझे अंदाजा भी नहीं था, चुपचाप मेरी आंखों के सामने उस वीडियो को डिलीट कर दो वरना तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। तब जाकर अपना फोन लेने के लिए प्रोफेसर ऊपर गया जहां वंदना म्यूजिक सुन रही थी। प्रोफेसर को लगा कि अच्छा हुआ इसने मुझे मार खाते हुए नहीं देखा और ना ही हमारी बातें सुनी। फिर वो अपना फोन लेकर नीचे आ गया और योगी के सामने उसने वो वीडियो डिलीट कर दी। योगी को लगा कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है और वो घर लौट गया, लेकिन यहां उसकी पत्नी ने फांसी लगा ली थी। अब योगी को बहुत गुस्सा आया और वो प्रोफेसर के कत्ल करने के इरादे से उसके घर पर गया, लेकिन प्रोफेसर ने कहा कि अगर मुझे मार डालोगे तो जेल जाना पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा जिसे लेकर तुम अपनी लाइफ मस्त सेटल हो सकते हो। योगी उसकी बात मान गया। अब वो रंजीत को बताता है प्रेजेंट में कि सर मुझे प्रोफेसर का मैसेज आया तो मुझे लगा कि वो मुझे पैसे देने के लिए बुला रहे हैं, इसलिए मैं प्रोफेसर के घर गया, लेकिन प्रोफेसर ने कह दिया कि अब तक तो पैसों का इंतजाम हुआ नहीं और ना ही मैंने तुम्हें मैसेज किया था, जब पैसे अरेंज हो जाएंगे तो बुला दूंगा तुम्हें, जाओ यहां से अभी। ये सुनकर योगी को भी बहुत गुस्सा आया और वो चाकुओं को घूरने लगा और चला गया। अब वो कहता है कि सर प्रोफेसर का मैंने कत्ल नहीं किया है। अब योगी को भी बाकी तीनों के साथ उसे कमरे में बैठा दिया जाता है। अब इन चारों के स्टेटमेंट की वीडियो रिकॉर्डिंग को एक साइकेट्रिस्ट देख रही होती है जो रंजीत को बताती है कि या तो ये चारों सच बोल रहे हैं या फिर झूठ को बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस करके बोल रहे हैं, ये दोनों पॉसिबल हो सकता है। इतने में वंदना रंजीत से कहती है कि शाम हो चुकी है सर, मुझे अपना काम निपटाने जाना है, जा सकती हूँ क्या? रंजीत भी उसको जाने देता है। असल में वंदना श्रीषा को देखने जाती है। श्रीषा वंदना की छोटी बहन है और वंदना को बहुत प्यारी भी है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि एक बार जब वंदना अपने घर गई तो उसे पता चला कि श्रीषा वंदना से मिलने प्रोफेसर के घर चली गई है। वंदना ने फोन पर उससे कहा कि तुम जहां पर भी हो वहीं रुक जाओ, मैं अभी आई, लेकिन इतने में श्रीषा प्रोफेसर के घर पहुंच गई। अब उसको देखते ही प्रोफेसर कहता है, ओह तो तुम वंदना की बहन हो, आ जाओ अंदर आकर बैठो। प्रोफेसर श्रीषा को बहुत ही बुरी नजर से देखता है। वंदना की टेबल पर एक यंग ऑफिसर की फोटो को देखकर श्रीषा प्रोफेसर को भी बता देती है कि ये हमारे पापा हैं। अब ये सुनकर प्रोफेसर चौंक जाता है। श्रीषा बताती है कि जब मेरे पापा यंग थे ये तब की फोटो है। वैसे दरअसल जब वंदना पहली बार यहाँ पर आई थी तो प्रोफेसर ने उसे भी गलत टच किया। इस बूढ़े दरिंदे से बचने के लिए वंदना ने अपने पापा की पुरानी फोटो वहाँ पर रख ली और कहा कि ये मेरे फियांसी हैं। ये जानकर प्रोफेसर वंदना से जरा दूर रहने लगा, लेकिन अब उसे गुस्सा आता है कि वंदना ने उससे इतना झूठ कहा। फिर वो श्रीषा के साथ बड़े प्यार से पेश आने लगा, लेकिन देखते देखते उसने श्रीषा का हाथ पकड़ लिया और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। श्रीषा खुद को बचाने के लिए प्रोफेसर से लड़ने लगी और इसी हाथापाई में उसका सर दीवार से टकराया, वो बेहोश हो गई। इसके बाद प्रोफेसर अपने कमरे में चला जाता है जैसे कि उसने कुछ देखा ही नहीं। उसके बाद जब वंदना आई तो श्रीषा को बेहोश देखकर वो बहुत डर गई। फिर वंदना और प्रोफेसर श्रीषा को हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर ने बताया कि श्रीषा कोमा में चली गई है। तब जाकर प्रोफेसर को चैन आया कि अब श्रीषा किसी को कुछ नहीं बता सकती, लेकिन डॉक्टर वंदना को बताती है कि श्रीषा कर नहीं गिरी बल्कि किसी ने उसको धक्का दिया था जिसकी वजह से उसके सर पर गहरी चोट आई है और वो कोमा में चली गई। वो वंदना को श्रीषा के ब्रेन इमेजेस को दिखाती है जिसके जरिए वो ये देख पाते हैं कि बेहोश होने से पहले वंदना ने आखिरी बार क्या देखा था।
उन्हें धुंधला सा इमेज दिखता है जो एक सिंबल की तरह दिखता है। तब वंदना को स्ट्राइक होता है कि ये तो एक बैज है जो प्रोफेसर ने अपने शर्ट पे लगाया होता है। वो समझ आती है कि जरूर प्रोफेसर ने ही श्रीशा को कुछ किया है। वंदना को बहुत गुस्सा आता है और वो प्रोफेसर का खात्मा करने के लिए ठीक मौके का इंतजार करती है। और तभी वो देख भी लेती है कि योगी प्रोफेसर से लड़ रहा है, जिसमें वो ये कह रहा है कि मेरी पत्नी का वीडियो डिलीट करो। वंदना ये सब कुछ देख लेती है, लेकिन ईयरफोन पहनकर ऐसे बैठ जाती है जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। जब प्रोफेसर ऊपर आता है तो उसका इरादा बदल जाता है, क्योंकि वो उस वीडियो को डिलीट नहीं करना चाहता था। उसके पास एक और फोन होता है तो वो उस वीडियो को दूसरे फोन में कॉपी कर लेता है और फिर पहला फोन लेकर योगी को दिखाने नीचे जाता है। इसी बीच वंदना दूसरे फोन को अनलॉक करके देखती है तो पता चलता है कि प्रोफेसर ने कई लड़कियों के साथ बहुत बुरा किया है। तब वो फैसला करती है कि ऐसे आदमी को जिंदा रहने का कोई हक नहीं और इस दरिंदे को मैं ही खत्म करूंगी। यहाँ डॉक्टर कहती है कि श्रीशा ब्रेन डेड हो गई है, इसलिए आप कम से कम इसके ऑर्गन्स को डोनेट करेंगी तो मौत से लड़ रहे कुछ लोगों की मदद जरूर हो जाएगी। वंदना भी मान जाती है। दरअसल ये डॉक्टर, जिसका नाम हरिणी है, वो कुछ दिनों में फौरन जाने वाली है और पासपोर्ट के सिलसिले में किसी से बात कर रही होती है। फिर वो वंदना से कहती है कि श्रीशा के ऑर्गन्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए कुछ डॉक्टर्स आने वाले हैं। तब वंदना आखिरी बार श्रीशा के पास बैठकर रोती है कि मैं तुम्हारे लिए उस प्रोफेसर से बदला जरूर लूंगी बहन। इतने में ऑर्गन एक्सट्रैक्शन टीम आकर श्रीशा को लेकर जाती है। यहाँ सीआईडी में पता लगाते हैं कि श्रीशा जहाँ पर गिरी पड़ी थी वहाँ जो फिंगरप्रिंट्स थे वो प्रोफेसर के हैं। उन्हें ये भी पता चलता है कि श्रीशा का सरनेम मसालू है। अब रंजीत को शक होता है कि शायद श्रीशा और वंदना बहन है। मतलब अभी तक तो हमें पता था लेकिन उसको नहीं पता था। वो तुरंत अपने असिस्टेंट को वंदना के घर भेजता है, लेकिन वंदना का घर लगभग खाली होता है और उसने अपना फोन भी ओवन में रखकर जला दिया होता है ताकि किसी को कोई पता ना चले, कोई उसका पीछा ना कर पाए। रंजीत को तो वंदना पर शक करने की सूझ ही नहीं, क्योंकि जिस ऑनलाइन क्लास के दौरान प्रोफेसर का कत्ल हुआ उसमें वंदना भी थी, तो जाहिर है वंदना ने कत्ल नहीं किया होगा। लेकिन अब उसे वंदना पर शक होने लग जाता है और वो उस वीडियो की रिकॉर्डिंग प्ले करके देखता है, लेकिन उसमें कोई अजीब बात उसको नजर नहीं आती। वो अपने बेटे सोनेश से पूछता है कि क्या तुम्हें कोई अजीब चीज नजर आई इसमें बेटा। सोनेश, जो पजल सॉल्व करने में माहिर है, वो कहता है कि प्रोफेसर के कत्ल को देखकर वीडियो कॉल पर सभी अचानक चौंक गए, लेकिन वंदना के चेहरे पर 2-3 सेकंड के बाद कोई रिएक्शन दिखा। अब रंजीत पता लगाता है कि वंदना ने अपने प्लान को कैसे अंजाम दिया होगा। दरअसल वंदना ने प्रोफेसर के घर की डुप्लीकेट चाबी बना ली थी। उसने पहले से अपने एक वीडियो बना ली थी और जब ऑनलाइन क्लास शुरू हुआ तो उसने वो वीडियो प्ले कर दिया, जिससे ये लगा कि वो भी लॉगिन करके बैठी हुई है। और उसी दौरान उसने प्रोफेसर का कत्ल करने की सोची थी। इस बात के लिए उसने कई बार प्रैक्टिस भी की थी, लेकिन टाइमिंग में थोड़ी गड़बड़ी हो गई जिसकी वजह से उसका रिएक्शन भी लेट हो गया। उस रात यानी कत्ल से पहले वो प्रोफेसर से कैजुअली मिलने गई और फिर प्रोफेसर से विदा लेकर वहां से बाहर भी निकल गई। लेकिन उसके बाद सर से पैर तक पूरी तरह खुद को कवर करके वो दोबारा घर में आई और उसने प्रोफेसर से कहा, मैं तो भूल ही गई थी, आप गूगल पे इंस्टॉल करना चाहते थे ना, मैं कर देती हूँ। ये कहकर उसने प्रोफेसर के फोन पर गूगल पे इंस्टॉल किया और तभी उसने प्रोफेसर के फोन से राकेश, मूर्ति, हेमा और योगी को ये मैसेज भेजा कि कल सुबह मेरे घर आ जाना। जब रंजीत ने वंदना को फोन अनलॉक करने को कहा तो वो पासवर्ड अच्छी तरह जानती थी, लेकिन फिर भी उसने जानबूझकर गलत पासवर्ड डाला और ये झूठ बोला कि शायद प्रोफेसर ने पासवर्ड चेंज कर दिया होगा। और रही बात सीसीटीवी की, वो वाईफाई से कनेक्टेड था और वंदना ने अपने सिस्टम से ही फुटेजेस से वो पार्ट डिलीट कर दिए थे जिसमें उन 4 सस्पेक्ट्स का बाहर जाने का वीडियो था। अब रंजीत का असिस्टेंट पूछता है, क्या वंदना ने ऐसा इसीलिए किया ताकि हमारा शक उन चारों पर जाए, ना कि वंदना पर? रंजीत कहता है, नहीं, उसने उन चारों को फंसाने के लिए ऐसा नहीं किया होगा। वो चाहती थी कि पुलिस उन चारों से पूछताछ करे और तब प्रोफेसर का असली चेहरा सामने आए। असिस्टेंट कहता है कि इससे पहले कि वंदना शहर छोड़े हमें उसको पकड़ना होगा, लेकिन रंजीत कहता है कि उसने पक्का प्लानिंग करके ये सब किया है, इसलिए उसको पकड़ना मुश्किल है। पर असिस्टेंट किसी तरह उसको पकड़ना ही चाहता है और अपनी टीम से कहता है कि जल्दी पता लगाओ ट्रेन या बस टिकट कहां से बुकिंग हुई है, उसका नाम वहां है कि नहीं। लेकिन रंजीत अपने बेटे के साथ पजल खेल रहा होता है। अब असिस्टेंट और उसकी टीम पता लगाती है कि वंदना के नाम से लगभग 60 टिकट्स बुक हुए हैं, लेकिन जब वो उन सब से पूछते हैं तो पता चलता है कि असल में उसका नाम वंदना नहीं, कुछ और ही है। मतलब वंदना ने पुलिस को कंफ्यूज करने के लिए ऐसा किया है। असिस्टेंट ये सब रंजीत को बताता है तो वो कहता है, मैंने तो पहले ही कहा था उसे पकड़ना मुश्किल है, उसका पीछा छोड़ दो। दरअसल वंदना डॉक्टर हारिणी का पासपोर्ट चुरा लेती है जो फौरन जाने वाली थी। उसमें अपनी फोटो फिक्स करके उसकी जगह पर वो डॉक्टर बनकर एयरपोर्ट भी पहुंच जाती है। एक जगह पर उसे वेरिफिकेशन के लिए फिंगरप्रिंट्स रखने को कहते हैं, फिर भी वंदना रख देती है, लेकिन जाहिर सी बात है वो मैच नहीं होता। उन्हें शक होता है और वो सीआईडी को कॉल करते हैं जैसा कि उन्हें इंस्ट्रक्शन मिला था, लेकिन वहाँ पर कोई कॉल नहीं उठा था। इतने में वंदना कहती है कि जरूर इस मशीन में कोई प्रॉब्लम होगी सर, मैं सच में डॉक्टर हारिणी हूँ, आप चाहें तो मेरे हॉस्पिटल में कॉल करके पूछ लीजिए। वहाँ का सीनियर ऑफिसर हॉस्पिटल को कॉल करता है तो एक स्टाफ कॉल उठाती है। हाँ, वो कन्फर्म करती है कि हारिणी हमारे हॉस्पिटल की डॉक्टर है। अब ऑफिसर कहता है कि आप वीडियो कॉल पे आइए और कन्फर्म कीजिए कि जो हमारे साथ है वो डॉक्टर हारिणी है क्या। स्टाफ कहती है कि सर एक मिनट, मैं अपना सेल फोन लेकर आती हूँ, कहकर वो लैंडलाइन फोन को रखकर अपना मोबाइल लेने जाती है। अब वंदना तो घबराने लग जाती है कि ये लोग वीडियो कॉल करेंगे तो मैं तो पकड़ी जाऊंगी। दरअसल वंदना ने सेफ्टी के लिए डॉक्टर हारिणी के फिंगरप्रिंट्स ले रखे थे। फिलहाल और कोई रास्ता न पाकर
वो उसके फिंगरप्रिंट्स को चुपके से अपनी उंगलियों में चिपका लेती है और ऑफिसर से कहती है कि सर मैं सर एक और बार ट्राई करूं। कहकर वो दोबारा फिंगरप्रिंट रखती है तो इस बार मैच हो जाता है। फिर ऑफिसर वंदना को अंदर अलाउ कर देता है। तभी इनका मिस्ड कॉल देखकर रंजीत का असिस्टेंट वहां जाता है, लेकिन तब तक तो वंदना जा चुकी थी। वो रंजीत को कॉल करके बताता है तो इस बार भी रंजीत यही कहता है कि तुम उसको नहीं पकड़ पाओगे भाई, छोड़ दो। और कट करके राकेश को दिखाते हैं जो कुछ पैसे लेकर अपनी गर्लफ्रेंड को देखने हॉस्पिटल जाता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड की मृत्यु हो चुकी है। राकेश टूट कर रोने लग जाता है। तभी वो न्यूज में देखता है कि प्रोफेसर ने कई लड़कियों को टारगेट किया था और अब एक एक करके उसकी असलियत सामने आती है। मीडिया तो ये भी कहती है कि ऐसे आदमियों को तो मार डालना चाहिए था। इसी बीच रंजीत के लिए एक पार्सल आता है जिसमें एक फोन होता है। उसमें उन विक्टिम्स की वीडियो होती है जिनके साथ प्रोफेसर ने बुरा किया था। रंजीत समझ जाता है कि इस फोन को वंदना ने भेजा है। रंजीत को भी यही लगता है कि ऐसे लोगों को तो मरना ही चाहिए। कट करके वंदना को दिखाते हैं जो फ्लाइट में बैठी होती है और अपनी बहन श्रीशा की वीडियो देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है। इस तरह आखिर वंदना बच निकली और यहाँ रंजीत अपने बेटे के साथ मिलकर पजल का आखिरी पीस रखकर एक बड़े पजल को सॉल्व करता है। पजल में लिखा होता है दी एंड और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बस इसकी एंडिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है दोस्तों, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।